हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का समर 2019 का मॉडल आंसर पेपर। क्योंकि अगर आपने सिलेबस के हिसाब से अगर 6 क्वेश्चन जो पेपर से मतलब 17, 18 और 19 के 6 पेपर सेट भी अगर अच्छी तरह से कर ले तो भी आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट अच्छे मार्क्स से निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम अभी वीडियो ऑनलाइन लेक्चर के से द्वारा हम रोज़ एक एक क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज हम सबसे पहला जो आपका समर 2019 का ऑटोमोबाइल इंजन का जो पेपर है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 1A। उसमें आपको अटे एन थी रहते हैं, लेकिन जिस स्कीम का पेपर है आपका, जो आइसक्रीम का पेपर है उसके में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। ठीक है, तो जो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है ड्रॉ 4-व्हीलर चेसिस लेआउट एंड शो मेजर कंपोनेंट्स ऑन इट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये टोटल 4 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल आपको एक लेआउट निकालना है चेसिस का। ठीक है, एक 4-व्हीलर का चेसिस है ना, उसका लेआउट निकालना है। और उसके जो डायग्राम में ये जो देखा यहाँ पे दिखा है इसने, ये पेट्रोल टैंक हो गया, ये रियर एक्सल हो गया, ये डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये बीच वाला प्रोपेलर शाफ्ट है, ये हॉरिजॉन्टल मेम्बर है, ये साइड मेम्बर है। उसके बाद यहाँ पे गियर बॉक्स है, क्लच है, इंजन है। ठीक है, फिर सामने रेडिएटर है। इस तरह से आपको इसको लेबलिंग करके आपको ये प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर ये क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है 4 मार्क के लिए। ठीक है, तो सिंपल डायग्राम है एक चेसिस निकाल देने का, उसमें कंपोनेंट अच्छी तरह से दिखा के उसको लेबलिंग कर देना। तो सिंपल एक फंडा है, सबसे पहले रेडिएटर निकालना, उसके बाद आता है इंजन, उसके बाद आता है क्लच, उसके बाद आता है गियर बॉक्स ECG, इस तरह से ध्यान में रखना। उसके बाद उसको कनेक्ट करता है प्रोपेलर शाफ्ट, उसके बाद में डिफरेंशियल, फिर वो रियल एक्सल। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है अभी स्टेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ इट एंड राइट फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन 1 लाइन। सो अगर हम ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो ट्रांसमिशन सिस्टम में बेसिकली आता है क्लच आता है आपका, उसके बाद गियर बॉक्स आता है, उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट आता है और डिफरेंशियल्स आता है। ठीक है, सबसे पहले इसके रिक्वायरमेंट क्या रहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला जो आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो है आपका रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड फॉर, सॉरी वहाँ पर डिसकनेक्टिंग नहीं, कनेक्टिंग चाहिए था, टू प्रोवाइड फॉर कनेक्टिंग द इंजन फ्रॉम द ड्राइविंग व्हील। तो ट्रांसमिशन सिस्टम अगर बात करें प्रोपेलर शाफ्ट की या क्लच या गियर बॉक्स की, तो वो क्या करता है, इंजन का जो पावर है वो कहाँ तक कनेक्ट करता है, ड्राइविंग व्हील तक। ठीक है, तो ये पहला उसका क्या हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट वो है व्हेन इंजन इज रनिंग, मतलब जब इंजन आपका रनिंग कंडीशन में है, तो कनेक्ट द ड्राइविंग व्हील इन टू इंजन स्मूथली विदाउट शॉक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लच क्या करता है, जब आप गियर चेंज करते हो, ठीक है, तो क्लच क्या करता है, जो कांटेक्ट है ड्राइविंग शाफ्ट का और डिवर शाफ्ट का वो कैसा रहता है, उसका स्मूथ रहता है। ठीक है, तो ये भी काम किसका रहता है, ट्रांसमिशन सिस्टम का रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका पावर बिटवीन इंजन एंड ड्राइविंग व्हील टू वैरी। जैसे गियर बॉक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंजन का टू ड्राइविंग व्हील तक पावर हम कैसे कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इनेबल द ड्राइविंग व्हील टू रोटेट एट डिफरेंट स्पीड। हम ड्राइविंग व्हील को अलग अलग स्पीड पे ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रोवाइड रिलेटिव मोशन बिटवीन इंजन एंड ड्राइव व्हील, ये भी ठीक है। उसके बाद आता है टू प्रोवाइड वेरिएबल टॉर्क डिपेंड्स ऑन रोड कंडीशन, क्योंकि रोड की कंडीशन एक जैसी नहीं रहती, कभी ऑन रोड या ऑफ रोड पे टॉर्क कैसा लगता है गाड़ी को, कम ज़्यादा लगता है। ठीक है, जैसे ऑन रोड पे रहे तो टॉर्क कम लगता है, लेकिन जब ऑफ रोड पे गाड़ी जाती है तो टॉर्क कैसा जाए आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये भी काम किसका रहता है, ट्रांसमिशन सिस्टम का रहता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपके लिए आएगा 2 मार्क के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपके कंपोनेंट्स। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है क्लच। क्लच का वर्किंग तो आपको पता है, वो क्या करता है, इंगेज और डिसंगेज करता है किसको, ड्राइविंग शाफ्ट को और डिवर शाफ्ट को। ठीक है, ड्राइविंग शाफ्ट मतलब कौन सा शाफ्ट, इंजन का, और डिवर शाफ्ट मतलब कौन सा शाफ्ट, गियर बॉक्स का। सो इसके फंक्शन क्या रहते हैं, टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट द रियल व्हील स्पिन डिजायर।
मतलब अगर पिछले वाले व्हील्स को अगर पावर चाहिए या नहीं चाहिए, एक आर्म किसके हाथ में रहता है, क्लच के हाथ में रहता है, ठीक है। उसके बाद वो कनेक्ट द इंजन टू ड्राइविंग व्हील विदाउट शॉक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम गियर डालते हैं तो जो कॉन्टैक्ट रहता है वो कैसे रहता है, एकदम स्मूथ रहता है, किसकी वजह से, क्लच की वजह से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गियर बॉक्स। सो गियर बॉक्स के क्या फंक्शन रहते हैं, जो पहला फंक्शन है टू वैरी द स्पीड ऑफ द व्हीकल, क्योंकि गियर बॉक्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को वैरी कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टू प्रोवाइड द न्यूट्रल पोजिशन। गियर बॉक्स के हेल्प से हम गाड़ी को न्यूट्रल पोजिशन में भी रख सकते हैं। उसके बाद टू रिवर्स द कार और व्हीकल, ये तो आपको पता है कि हम गाड़ी को क्या कर सकते हैं, रिवर्स में भी ले जा सकते हैं। उसके बाद जो ट्रांसमिशन सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है प्रोपेलर शाफ्ट, क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट का मेन काम ये रहता है कि वो पावर को पिछले पहियों तक पहुंचाने का काम किसका रहता है, प्रोपेलर शाफ्ट का रहता है, ठीक है। तो इसका जो पहला जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इट ट्रांसमिट रोटरी मोशन एंड पावर टू द डिफरेंशियल। ये क्या कहता है, रोटरी मोशन, क्योंकि अगर आपने प्रोपेलर शाफ्ट देखा होगा उसका मोशन कैसा रहता है, वो रोटरी मोशन रहता है, ठीक है। वो पावर किसको कहा था, ट्रांसमिट करता है डिफरेंशियल का, ठीक है। फिर डिफरेंशियल का काम क्या रहता है, इक्वली पावर हो रियल हिट को डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टू ट्रांसमिट टॉर्क एट वेरिंग एंगल्स। अगर एंगल वेरी होता है तो वो भी इक्वली टॉर्क ट्रांसमिट करता है। उसके बाद अकोमोड्स चेंज इन लेंथ ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिफरेंशियल एंड फाइनल टर्न, ठीक है। डिफरेंशियल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसमिशन सिस्टम। सो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है इसका टू रिड्यूस द इंजन स्पीड परमानेंटली इन फिक्स्ड रेशियो। ये क्या करता है, डिफरेंशियल क्या करता है, इंजन स्पीड को क्या कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। उसके बाद अगर गाड़ी को हमको टर्न करना है 90 डिग्री के एंगल में, तो किसके हेल्प से करते हैं, हम डिफरेंशियल के हेल्प से करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ इनर व्हील एंड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ आउटर व्हील बाय टेकिंग टर्न। जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो अंदर के जो व्हील रहते हैं वो उसका स्पीड कैसे रहते हैं, कम, और जो आउटर जो व्हील है उसकी स्पीड हमको कैसे चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो एक किसके किसके हेल्प से होता है, वो होता है डिफरेंशियल के हेल्प से होता है। उसका टू किप स्पीड ऑफ बोथ व्हील सेम व्हाइल मूविंग स्ट्रेट। अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो दोनों व्हील की स्पीड कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। वो भी किसके हाथ में रहता है, वो रहता है डिफरेंशियल के हाथ में। उसके बाद रहता है रियर एक्सिल। रियर एक्सिल तो आपको पता ही होगा, इसका काम क्या रहता है, टू ट्रांसमिट टाइप फॉर डिफरेंशियल टू ड्राइविंग व्हील। ये क्या करता है, क्योंकि रियर एक्सिल पे क्या अमाउंट रहती है, रियल व्हील्स पिछले वाले, ठीक है। तो डिफरेंशियल भी कहाँ पे माउंट आएगा, रियल एक्सिल पे माउंट आएगा। उसका टू टेक वेरियस लोड्स पे स्ट्रेस कमिंग ऑन व्हील। आपने लिप स्प्रिंग देखी होगी, वो भी कहाँ पे माउंट रहता है, रियल व्हील के एक्सिल पे रहते हैं। तो जो मैक्सिमम जो लोड और स्ट्रेस आता है वो भी कहाँ पे आता है, फिर रियल एक्सिल पे आता है, ठीक है। उसके बाद आपका मेन कंपोनेंट आता है व्हील्स। व्हील्स तो आपको पता है, व्हील्स का पहला पॉइंट क्या रहेगा, टू सपोर्ट लोड ऑन व्हीकल एंड पैसेंजर। जो पूरा गाड़ी का जो आपका लोड है व्हीकल और पैसेंजर का, वो कहाँ पे आता है, व्हील पे आता है, ठीक है। उसका टू मूव द व्हीकल। उसका बाद रहता है टू एब्जॉर्व द शॉक कॉज बाय रोड इररेगुलरिटीज। अगर आपकी गाड़ी अगर ऑफ रोड पर जाती है तो बहुत सारे आपको शॉक्स एब्जॉर्व करने पड़ते हैं। वो सारे शॉक्स को सबसे पहले कौन एब्जॉर्व करता है, तो व्हील्स एब्जॉर्व करता है, ठीक है। उसका अंदर टू कोप विद द स्टीयरिंग कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द एक्मेरियन स्टीयरिंग मैकेनिज्म विद द लाइन स्केज। मतलब आपको इस क्वेश्चन में स्केच भी ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आ रहा था 4 मार्क के लिए, तो 2 मार्क तो स्केच के लिए हो गए, क्योंकि 2 मार्क का क्या लिखना पड़ेगा आपको, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखो अभी क्या है, इसने देखो यहाँ पे एक आ रहा है इसका फ्रंट व्हील और एक आ रहा है इसके रियर व्हील, ठीक है। अभी इसमें देखो, द एक्यूरेट स्टीयरिंग मैकेनिज्म प्लेस ऑन द बैक ऑफ द फ्रंट व्हील। वो कहाँ पे माउंट किया इसने, फ्रंट व्हील के बैक साइड में इसने स्टीयरिंग मैकेनिज्म को माउंट किया है। इन एक्मेरियन स्टीयरिंग गियर द मैकेनिज्म ए बी सी डी। ये देखो यहाँ पे एक मैकेनिज्म ए बी सी डी, ठीक है। द 4 बार क्रैंक चेन, जिससे आपको पता होगा 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है। द शॉर्टर लिंक्स बी सी, यहाँ पे शॉर्टर लिंक कौन सी है, बी सी और ए डी, और हायर लिंक सॉरी लॉन्गर लिंक कौन थी है, ए बी और सी डी, ठीक है। फॉर द करेक्ट स्टेयरिंग द फॉलोइंग थ्री पोजिशन ऑन ऑप्टेन। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। अभी देखो, अगर आपकी गाड़ी अगर स्ट्रेट कंडीशन में है, ठीक है, तो क्या रहेगा, इसकी पोजिशन कैसी रहेगी, ए तो दोनों इंक्लाइंड रहेंगे, बी सी और ए डी, और सी डी और ए भी क्या रहेगा, आपके पैरेलल रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी क्या लेती है, टर्न लेती है, देखें
फिर से भी क्या लिया इसने, टर्न लिया, ठीक है, सब एंगल से उसने क्या लिया, टर्न लिया। तब क्या होगा, ये जो आपका फॉरवर्ड मैकेनिज्म है ये क्या होगा, थोड़ा टिल हो गया, ठीक है, सी की पोजीशन यहाँ थी अभी यहाँ आ गई और डी की पोजीशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर अगर हम इसमें इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली स्टेयरिंग मैकेनिज्म यही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टायर लाइफ, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसपे टायर लाइफ, मतलब टायर की लाइफ क्या कर सकते हो, अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क के लिए, इन लिस्ट एनी फोर विद डीप डीप डिस्क्रिप्शन 1 मार्क फॉर इच, मतलब आपको इसमें 4 लिखने हैं, 1 मार्क रहेगा एक के लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या आता है, द टायर मस्ट बी इन्फ्लेटेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल व्हीकल मैन्युफैक्चरर, बोथ द अंडर इन्फ्लेशन ओवर इन्फ्लेशन डिटरमाइन टू टायर लाइफ, मतलब कैसा रहता है कि अगर आपने ओरिजिनल व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने रिक्वायरमेंट दे दी कंपनी को बनाने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो उतना ज़्यादा ओरिजिनल उसमें उसको ओरिजिनली वो तैयार नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट रहता है इन्फ्लेशन रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है व्हीकल मेंटेनेंस, द स्टेट ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस कैन ऑल्सो अफेक्ट द टायर लाइफ, अगर आप व्हीकल को प्रॉपर मेंटेन नहीं रखते या प्रॉपर उसका मेंटेनेंस नहीं करते तो उस पर भी आपके टायर की लाइफ डिपेंड रहती है। उसके बाद फॉलिंग आर द मेन मैकेनिकल इरेगुलरिटी विच आर रिवेटेड बाय द टिपिकल वेयर ऑफ द टायर, जैसे 3 व्हील अलाइनमेंट, मतलब व्हील का अलाइनमेंट चेक करना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक एडजस्टमेंट भी बहुत जरूरी है, और मैचिंग एंड स्पेसिंग ऑफ द ड्यूअल टायर, मतलब जो ड्यूअल टायर रहता है उसको भी चेंज करना या मैच करना उसको भी जरूरी रहता है। उसके बाद आपका मैनर ऑफ ड्राइविंग, मतलब आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, आप सडनली स्टॉप करते हो या प्रॉपर स्टॉप करते हो, ठीक है, उस पर भी डिपेंड रहता है। उसके बाद आता है ओवरलोडिंग, अगर समझो इन केस ऑफ ओवर लोडिंग द टायर हैज इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर, मतलब कभी कभी अगर टायर में एयर का प्रमाण अगर कम कम रहा, अगर लोड ज़्यादा रहा तो उसका पूरा वेट कहाँ पे आ जाएगा, और टायर पे आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से दिस रिजल्ट इज डिक्रीज ऑफ टायर माइलेज, मतलब इससे क्या हो सकता है, आपका टायर का माइलेज भी कम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट है आपका हीट, उसके बाद होता है रोड कंडीशन, सीजन, पोजिशन ऑफ टायर, तो ये सारे सब भी फैक्टर क्या करते हैं, टायर लाइफ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको कौन से भी 4 पॉइंट लिखने हैं।